हेलो क्लास फॉर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हाउ आर यू सब? अभी अपना वर्क सेंड करो जल्दी जल्दी, ठीक है? आपको ज़्यादा ज़्यादा वर्क मिलता जा रहा है। अगर आप पहले का वर्क नहीं फिनिश करोगे तो आपका पहले का भी वर्क रह जाएगा और न्यू वर्क भी आपको करना पड़ेगा, तो बहुत सारा वर्क हो जाएगा करने के लिए। इसलिए साथ साथ में रोज़ रोज़ अपना वर्क करो अच्छे से बैठ कर, ओके? थोड़ा थोड़ा करके आप फिनिश करो अपना वर्क। अभी आप बिग स्टूडेंट्स हो। आज हम क्या करेंगे? आज हम फिर से करेंगे कैरी फॉरवर्ड, ओके? बट बिफोर दैट, आज डेट क्या है? 29 जुलाई 2020, और डे क्या है? वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। बोलो आप स्पेलिंग, आप ऐसे स्पेलिंग्स भी लर्न कर लोगे, है ना? चलो, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग कैरी फॉरवर्ड के मोर सम्स, ओके? हमने क्लास में भी किया है, वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपको अच्छे से समझ भी आना चाहिए। तो आज हम एक और वीडियो बना रहे हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। कैरी फॉरवर्ड हम कब करते हैं? कैरी फॉरवर्ड करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन हम वो नंबर्स अपने पास नहीं रख सकते हैं। जैसे ये वंस की लाइन है, ये टेंस की रो है, तो वंस के पास तो सिर्फ 9 नंबर्स तक ही रह सकते हैं, करेक्ट? तो उसके ज्यादा, उससे ज्यादा जब उनके पास नंबर आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो उसको पास कर देते हैं टेंस की लाइन पे। तो अभी हम सिर्फ डबल डिजिट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, डबल डिजिट एडिशन कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने वंस एंड टेंस का ही रो यूज कर रहे हैं। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन है, 1616 + 1616, तो कैसे करेंगे हम? करेक्ट, इधर आओ। सबसे पहले हम कौन सी साइड को ऐड करते हैं? वंस की साइड को। तो 6 + 6 क्या आंसर होगा? 6 के बाद में हमने 6 फिंगर्स ओपन करनी है और काउंट करेंगे 6 के बाद में। तो कैसे करेंगे? 6 के बाद हमने 6 फिंगर्स ओपन करी, और 6 के आफ्टर 6 वी विल काउंट 7 8 9 10 11 12। तो हमारा आंसर क्या आया? 12। तो 12 हमने कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है? नो, ऐसे नहीं लिखना है। और 12 का मतलब क्या है? 12 हम जब लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं? 12 टेंस एंड वंस में हम लिखेंगे, 1 टेंस एंड 2 वंस, 1 2 12। और ये 1 कहाँ पे आता है? टेंस की लाइन में आता है। और 2 कहाँ पे आता है? वंस की लाइन पे। तो यहाँ पे ऊपर भी हमने टेंस एंड वंस लिखा है, ठीक है? तो ये जो 2 है, ये वाला 2 हम यहाँ पे ही रहने देंगे, ठीक है? ये वंस की लाइन है और ये 2 कहाँ पे है? वंस में। तो ये 2 तो यहीं पे रह जाएगा। 1 कहाँ जाएगा? 1 हम फॉरवर्ड कर देंगे टेंस की लाइन में, ठीक है? इसीलिए 2 यहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ 1 जाएगा, ओके? तो ये हमारा 1 यहाँ पे हमने फॉरवर्ड कर दिया। तो अभी कैसे ऐड करेंगे हम? 1 + 1 2। और ये जो ऊपर हमने नंबर लिखा है उसको भी ऐड करना है, उसको भूलना नहीं है। +1 3। तो आंसर क्या आया हमारा? 3 2 32, ठीक है? तो ये अभी हमने क्या किया है, ये सारा हमने इसको इसको और इसको, तीनों नंबर्स को प्लस कर दिया है। ऑल राइट, अभी नेक्स्ट एक और सम देखते हैं। सेकंड सम हमारा क्या है? 3 8 38 + 1 4 14। अभी आप बताओ पहले कौन सी साइड ऐड होगी? वंस की साइड। 8 + 4, 8 के बाद में हमने 4 फिंगर्स ओपन की, ओके? और 8 के आफ्टर 8 हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग 9 10 11 12। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आएगा 12। यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और 1 कहाँ जाएगा? 1 हम फॉरवर्ड कर देंगे टेंस की लाइन पे। ये जो बॉक्स बनाया हुआ है हमने, वो बॉक्स जो है यहाँ पे 1 लिखेंगे। और इन सबको हमने अभी क्या करना है? इस नंबर को, 3 को, 1 को, सबको प्लस करेंगे। 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा? 5। तो हमारा आंसर क्या है? 38 + 14
आंसर इज 5252. ओके, तो ये है कैरी फॉरवर्ड. जब हम वंस में नंबर्स हमारे एक्स्ट्रा आते हैं 10, 11, 12, 32, 42, तो हम वो नंबर्स वंस की रो में नहीं रख सकते हैं. हमको जो दूसरा नंबर है, टेंस के नंबर है, वो टेंस की रो में फॉरवर्ड करना पड़ता है. तो इसीलिए हम इनको कैरी फॉरवर्ड सम्स कहते हैं. ठीक है, आप वीडियो देखो, समझो, क्लास में भी आपको मैंने बताया है. फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, बाय.